अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे क्रोएशिया जो है उससे आपने किस तरह से मैं आपको उसमें एक पुल बनाना सिखाऊंगी, या क्रोएशिया जो है उसे चलाने का तरीका जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। आपने इस तरह का जो ये क्रोएशिया है ये ले लेना है, और इसके साथ आपको मैं वाइट ऊन के साथ जो है वो एक क्रोएशिया जो है वो करके दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है ये थ्रेड जो है ऊन वुल का ले लेना है। इसके आपने इस तरह से गिरा लगानी है, और गिरा लगाने के बाद आपने क्रोएशिया जो है वो इसमें इस तरह से डाल देना है। फिर आपने जो है वो आगे उसकी चेन बनानी शुरू कर देनी है। गिरा को आपने इस तरह टाइट लगाना है कि आपका जो क्रोएशिया है वो बिल्कुल भी आप जब कर रही हो तो वो खुले ना। इसके अलावा व्यूअर्स, जब आपने गिरा लगा दी है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो चेन बनानी शुरू कर देनी है, और इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना क्रोएशिया जो है क्रोएशिया का जो काम है वो आगे की तरफ बढ़ाते रहना है। तो व्यूअर्स, जिस तरह से अगर आपको क्रोएशिया चलाना आता है तो आप इसे बहुत इजीली जो है वो टाइमली आप इसे तैयार कर सकती हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं और आप सीख रही हैं तो आपको इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और व्यूअर्स, क्रोएशिया का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है इससे डिफरेंट टेबल कवर्स, ओवन कवर्स, और इसके अलावा जो है आप इसके लिए जो है छोटे बच्चों के कंप्लीट ड्रेसेस बना सकती हैं ऊन से, क्रोएशिया से, ऊन सिलाइयों से। और क्रोएशिया से आप क्या कर सकती हैं, सर्दियों में जैसे होता है आप सर्दियों में इससे जर्सियाँ वगैरह बना सकती हैं अपने, और इसके अलावा आप खूबसूरत सी आप इसमें जो है क्रोशिया से सॉक्स बना सकती हैं, और डिफरेंट ग्लव्स वगैरह बना सकती हैं। तो व्यूअर्स, क्रोशिया का काम जो है ये कभी भी पुराना नहीं होता। आप मार्केट में अगर विजिट करें तो आपको जो है वो क्रोशिया से बनी हुई ऊन सिलाइयों की जो है वो बेडशीट्स भी मिलेंगी, और जो आपको जो कवर्स वगैरह होते हैं वो भी मिलेंगे। बहुत खूबसूरत पूरा सेट होता है, बेडशीट का सेट होता है, उस पर खूबसूरत डिज़ाइन की गई होती है। मींस कि आप इसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं, कलर्स की कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप इसमें, और अपनी मर्जी के अपनी पसंद के कलर्स जो हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा कुरान पाक का जो कवर होता है वो आप बना सकती हैं, खूबसूरत सा, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप बहुत सारे चीज़ें जो है वो आप ऊन सिलाइयों क्रोशिया से बना सकती हैं। छोटे बच्चों का मुकम्मल सूट जो है वो आप तैयार कर सकती हैं ऊन ही से, ऊन सिलाइयों से। और ऊन जो है वो आपको मार्केट से भी मिल सकती है बहुत आसानी से। और जो आप इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आप डिफरेंट चीज़ों को बनाने का कम्प्लीट प्रोसेस जो है वो आप देख सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो तकिया वगैरह होते हैं, तकियों के कवर्स जो हैं वो आप बना सकती हैं इस तरह की ऊन सिलाइयों से या क्रोशिया से। उसके साथ आप कलरफुल बॉर्डर जो है वो भी बना सकती हैं, टेसल्स वगैरह आप इससे बना सकती हैं। जैसे आप अपना कोई सूट तैयार करती हैं उसके ऊपर अगर आप क्रोशिया की लेस लगाना चाह रही हैं तो आप उससे जो है वो ऊन के थ्रेड से जो है वूल थ्रेड से आप क्या कर सकती हैं, आप टेसल्स बना सकती हैं। और इसके अलावा जो है व्यूअर्स, आप जैसे कोई दुपट्टा वगैरह है आप उस पर अपने दुपट्टे के साइड्स पे जैसे पिको करवाते हैं, इस तरह से आप अपने दुपट्टे के चारों तरफ जो है वो खूबसूरत सी खूबसूरत सा क्रोशिया का डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह के जो क्रोशिया के डिज़ाइन होते हैं ये बिल्कुल जो है वो पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी भी ये डिज़ाइन जो है वो पुराने नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो अगर इंटरेस्ट है आपको क्रोशिया वगैरह बनाने में या उन सिलाइयों के काम करने में तो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और जो है वीडियो के साथ साथ आपको एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियो की हर अपडेट जो है सबसे पहले देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसका लिंक भी शेयर कर दें। किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये क्रोशिया का एक टाइप का फ्लावर जो है वो बन चुका है। तो इस तरह से आपने जो है वो क्रोशिया का काम करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।